बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक जगह की निस्बत आम ख्याल था कि वहाँ भूत वगैरह बहुत रहते हैं। वहाँ कोई शख्स रात के वक्त ना जाता था और ना रहता था। कुछ अरसा हमको वहाँ तन्हा यानी अकेले रहने का इत्तेफाक हुआ। दारोगा रामचंद्र जी के आदमी हमको शाम से पहले दूध पहुँचा जाते थे। एक दिन अंधेरा हो गया और दूध की किसी को याद ना रही। रात को जब याद आई तो किसी का हौसला यानी साहस था कि वहाँ जाए, मगर ये खौफ भी था कि अगर दूध ना पहुँचा तो दारोगा साहब की रुष्टता होगी। एक नया परदेसी आदमी दारोगा जी के यहाँ नौकर होकर आया था, उसको भेज दिया। जब वह हमारे पास पहुँचा तो हमने उससे कहा कि रात ज़्यादा हो गई है, अब यहीं सो रहो। वह हमारी चारपाई के पास ज़मीन पर सो रहा और हम तन्हा ऊपर सो रहे। लेटे हुए ध्यान में थे कि हमको मालूम हुआ कि कोई औरत हमारे पांव दबाती है और चंद आदमी तरह तरह के बाजे बजाकर नाचते और गाते हैं। अवल यानी पहले ख्याल गुजरा कि शायद दारोगा जी की मुलाजिमा इस मुलाजिम के साथ ना आई हो, मगर बाद में उसने ऐसी अजीब तरह से पैर दबाए कि हमको शक गुजरा कि ये तो कोई बला है। हमने आँख तो खोली नहीं, मगर आहिस्ता से उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हमारा हाथ बढ़ना था कि वह चीख मारकर भागी और सब मंडली तितर बितर होकर ऐसी भागी कि उस नीचे सोए हुए आदमी को लातों से खून डाला। वह घबराकर कहने लगा कि यह क्या बला है। हमने उसको तसल्ली दी और कहा कि चुपचाप सो जाओ। एक रोज एक फकीर सेवा में उपस्थित हुए। सिर पर साफा तो रंगीन ना था, बाकी कपड़े बड़े जर्क बर्क, कोट पाजामा कमीज घड़ी सब ठाठ पाठ शैलाओं का सा बना था। श्री महाराज जी ने देखते ही फरमाया कि आप और ये पोशाक इधर तशरीफ लाइए। जब पास आए तो बड़ी मोहब्बत से उनका कोट वगैरह उतारा और एक रंगीन लंबा चोला पहना दिया। चोला पहनते ही उसकी अजीब हालत हो गई, जोश से नाचने लगा। आपने फरमाया कि अब कहाँ कयाम का ख्याल है। उन्होंने अर्ज किया कि अब वन यात्रा और भ्रमण को जी चाहता है। आपने फरमाया अच्छा जाओ। उस वक्त वह माथा टेक कर रवाना हो गया, मगर फिर आज तक उसका कुछ पता ना चला और ना किसी परिचित से मुलाकात हुई। कई लोगों ने अर्ज किया कि श्री महाराज जी उन पर बड़ी कृपा की, फरमाया कि अमानत वापस करना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं।
एक रोज मौसम शीतकाल में एक जागीरदार साहब ने बहुत मूल्यवान काबुली दुशाला श्री महाराज जी को लाकर उड़ा दिया। जागीरदार साहब भी मौजूद थे कि एक नंग धड़ंग फकीर आए और कहने लगे कि बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको पहनाओ। श्री महाराज जी ने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा, और कुछ? उन्होंने जवाब दिया, हाँ ओढ़ने की ज़रूरत है। आपने वही तो शाला ओढ़ने को दे दिया और दरियाफ्त किया। अब उसने कहा कि सिर नंगा है। आपने टोपा भी दे दिया और फरमाया, कुछ? और उसने अर्ज किया कि टांगें खुली हैं। आपने धोती उतार कर दे दी और बिल्कुल नग्न होकर बैठ गए और उससे पूछा कि कहिए, और कुछ दरकार है? उसने कहा कि बस, और रवाना हो गया। उपस्थितों में से एक दौड़े और दूसरी धोती और चोला लाकर पहनाया। एक रोज एक शख्स जयपुर में श्री महाराज जी के पास हाजिर हुआ और अफ्यून के दड़े की बाबत सवाल किया कि मुझको दड़ा बतला दीजिए। आपने पहले बहुत इनकार किया, मगर वह तो सिर हो गया और टाले से नहीं टलता था, तो आपने फरमाया कि दड़े से तुमको कुछ लाभ ना होगा। फिर पानी से भरा हुआ एक कटोरा मंगवा कर आपने पास रख लिया और उसको पास बुलाकर कहा कि देखो। उसने जब कटोरे में निगाह की तो पानी में उसको अंक दिखाई दिए जो उसने याद कर लिए। श्री महाराज जी तो इसके बाद जयपुर से कहीं और चल दिए। जब वापस आए तो वही शख्स फिर मिलने आया। उससे पूछा कि तुमको उस मौका पर कितना रुपया मिला? उसने कहा कि महाराज जी, दड़ा तो वही निकला जो मैंने देखा था, मगर मेरे दिल में कुछ भ्रम हो गया, इसीलिए मैंने उस वक्त रुपया नहीं लगाया। तही दस्ताने किस्मत राचम सोद अज रहबरे कामिल की खिजर अज आबे हैवा तिश्नम मी आरत सिकंदरा। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबारी की जय।